नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग इंडिया हिंदी पर। तो किसान भाइयों, खेती की नई नई तकनीक की जानकारी पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें फार्मिंग इंडिया हिंदी चैनल को। की जो समस्या आती है वो है व्याप्त की समस्या, या जिसे हम कहते हैं टर्स निकलने की या कल्ले निकलने की समस्या। तो कई खेतों में देखा गया है कि व्याप्त की समस्या पाई जाती है, टिलर्स अच्छे से नहीं निकलते हैं। उसके लिए धानुका कंपनी का एक मुख्य उत्पाद आता है जिसका नाम है धनजाइम गोल्ड दानेदार। ये 5 केजी का, इसका 5 किलोग्राम का प्रति एकड़ का डोज है और 5 किलोग्राम के ऐसे बैग में आपको, ऐसा बैग आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ऐसे बैग में आपको मिल जाता है। मुख्यतः हमें ये जानना जरूरी है कि ये क्या है, इसके मुख्य फायदे क्या हैं और किस तरीके से ये काम करता है। तो एक कार्बनिक खाद है जिसे हम कहते हैं समुद्री घास से बनाया हुआ ये प्रोडक्ट है धनजाइम गोल्ड ग्रेनुअल। समुद्री घास उपयोगी है क्योंकि मैं इसमें अलग अलग तरीके के प्रोटीन और एंजाइम्स और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, पौधों को बढ़वार में या पौधे की पैदावार में, या धान की अगर हम बात करें तो उसमें जो भी हमारे टिलर्स हैं उनको निकलने में व्याप्त है, उसको अच्छा बनाने में मदद करता है। यह भी पौधों की जड़ों के द्वारा आसानी से अवशोषित किया जा सकता है और फिर पौधे में, जड़ों के द्वारा पूरे पौधे में फैल जाता है। क्या मुख्य फायदे हैं इसके? जड़ों का विकास अच्छा करता है। अगर जड़ों का विकास अच्छा होगा तो आपके ज्यादा कल्ले निकलेंगे या ज्यादा टिलर्स निकलेंगे, व्याप्त अच्छी होगी। और भोजन बनाने की प्रक्रिया को भी ये तेज करता है। अगर पौधा समय से अपना भोजन बनाता रहेगा तो वो पूरे पौधे को मिलता रहेगा और पौधे की पैदावार अच्छी होती रहेगी। दाना, एक जगह दाना भी अच्छे से बनेगा। पौधे की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। अगर पौधे में कोई रोग आते हैं धान के पौधे में तो उनको भी, अगर हम धनजाइम गोल्ड ग्रेनुअल का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, मतलब आगे आने वाले जो भी रोग वगैरह है उनको कम करता है। अधिक और अच्छी क्वालिटी का उत्पादन भी वह देता है। इसकी प्रयोग विधि क्या है? इसे हम मिट्टी में मिलाकर उपयोग कर सकते हैं। 5 केजी का जो बैग आता है उसको हम मिट्टी में मिलाकर फिर उसका छिड़काव कर सकते हैं मुख्य फसल में। गोबर की खाद के साथ भी मिलाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं, यूरिया के साथ भी मिलाकर इसको छिड़क सकते हैं। इसको कब छिड़काव इसका कब करना है, कब मुख्य है, यह रोपाई के बाद मुख्य खेत में 15 से 40 दिन के अंदर किया जाता है। 15 दिन के पहले पहले जो समस्याएं आती हैं वो मुख्य खरपतवार की होती हैं। अगर हमने खरपतवार कंट्रोल कर लिए, उसके बाद जो समस्या आती है वो होती है टिलर्स की, ब्याप की। तो 15 से 40 दिन के अंदर हम इसका अगर छिड़काव करते हैं तो आपको अधिक संख्या में आपके टिलर्स या कल्ले अधिक संख्या में निकलते हैं या ब्याप अच्छी बनती है और इस तरीके से पौधे की पैदावार भी आपको अच्छी मिल सकती है। तो ये था धनजाइम गोल्ड ग्रेनुअल के बारे में। इसके बाद तीसरी चीज जो आती है वो आती है दवाइयों के रिजल्ट। हम कोई भी दवाई स्प्रे करते हैं खेत में, डालते हैं, छिड़कते हैं और उसका हमें रिजल्ट समय से नहीं मिल पाता, या बारिश हो जाती है या दवाई बह जाती है या कुछ भी समस्या आती है जिसकी वजह से हमें रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिल पाता, अच्छा नहीं मिल पाता, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? धानुका कंपनी की एक दवाई जिसको आप जानते होंगे बेडसेट के नाम से आती है। बेडसेट एक एफिकेसी एनहांसर है। एफिकेसी एनहांसर, या अगर मैं बात करूं तो ये पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोगी है। यह कीटनाशक, फफूंदी नाशक, खरपतवार नाशक सभी तरीके की दवाइयों में मिलाया जा सकता है। इसका मुख्य काम क्या होता है वो बताता हूं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि खेत में अलग अलग तरीके के धान के खेत में स्टेम बोरर, लीफ फोल्डर, या हम कहते हैं जैसे पत्ता लपेट, गोप की सुंडी, ये सब आ जाते हैं, तो पत्ता लपेट पत्ता लपेट के अंदर चला जाता है और उस पर फिर किसी दवाई का असर नहीं होता है। तो हम जो भी दवाई कीटनाशक डालें उसमें अगर हम वेटसीट मिला के डालते हैं तो वो पूरे तरीके से पत्तों के द्वारा अवशोषित हो जाता है, पत्तों से सीधा फैल जाता है और अंदर तक, नीचे की जड़ों तक, या जिसे हम तना कहते हैं, तने तक, और तने से लेके एकदम ऊपर तक बराबर फैलता रहता है। जिससे जहां भी कोई भी समस्या अगर किसी कीड़े की आती है, गोभी सुंडी या पत्ता लपेट की आती है, उसको भी ये खत्म करने में मुख्य भूमिका निभाता है कीटनाशक के साथ। तो ये जल्दी अपना काम करता है। इसी तरीके से इसका जो कीड़े मकोड़ों को मारने का जो रोल है वो
जो जो भी तेजी से मारने के लिए उसको उपयोग किया जाता है। मतलब अगर हम बेडशीट किसी कीटनाशक में या किसी फफूंदी नाशक में मिला के डालते हैं, अगर मैं सीधे तरीके से आपको बताऊं तो जो भी दवाई आप खेतों में डालते हैं रोग कंट्रोल करने के लिए, कीड़े मकोड़े कंट्रोल करने के लिए, उसके साथ अगर आप बेडशीट मिला के डालते हैं, जो दवाई आपकी 48 घंटे में असर करने वाली है वो 24 घंटे में असर करेगी, जो दवाई 24 घंटे में असर करने वाली है वो 12 घंटे में भी असर कर सकती है। ये पौधे में होने वाले रोग से आपने देखा होगा, कभी पौधे में नमी ज्यादा हो रोग ज्यादा आने लगते हैं, जैसे धान में देखा होगा शीत ब्लाइट की समस्या, ब्लास्ट की समस्या आ जाती है। तो अगर नमी ज्यादा है तो ये पौधे को ड्राई भी रखता है, इसका ड्राइनेस इफेक्ट भी है। तो जब भी हम किसी भी दवाई के साथ बेडशीट को मिला के डालते हैं तो ये पौधे में पूरी तरीके से फैल जाता है और उसके पत्ते को ड्राई रखता है, नमी ज्यादा नहीं आने देता, जिसकी वजह से बीमारियां भी कंट्रोल होती हैं। तो बेडशीट का जो डोज है वो है 1 ml प्रति लीटर पानी के साथ। एक एफिकेसी एनहांसर है, ये दवाई के कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। दवाई जो भी आप डालते हैं उसके कार्य करने की क्षमता को यह बढ़ाता है। अगर आप खेत में 100 लीटर पानी उपयोग करते हैं, 150 लीटर करते हैं, हमेशा ध्यान रखें कम से कम 150 लीटर पानी का उपयोग जरूर करें। अगर आप 150 लीटर पानी का उपयोग करते हैं और 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर वेटसीट का डोज जाता है तो आपको 150 ml पानी में 150 ml वेटसीट का यूज करना चाहिए। 150 लीटर पानी में 150 ml वेटसीट का यूज करने से जितनी भी दवाइयां आप पौधे को दे रहे हैं वो सही तरीके से सही समय पर पौधे को प्राप्त होंगी और वो अपना काम करना स्टार्ट करेंगी।